शुरुआत होने वाली है। आज रात 12 बजे के बाद 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू होगा। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होने वाला है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत आज रात 12 बजे के बाद किसी की हत्या होने पर लगेगी धारा 103। पहले हत्या होने पर लगती थी आईपीसी की धारा 302। धोखाधड़ी होने पर अब 420 की जगह लगेगी धारा 318। ऑनलाइन भी दर्ज किया जाएगा केस। थाना जाने पर आधे घंटे में शिकायत सुननी होगी। तो 1 जुलाई से आपको बता दें कि नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं 1 जुलाई से, यानी कि आज रात 12 बजे के बाद ये तीनों कानून लागू हो जाएंगे। और आपको बता दें कि इसमें धारा में बदलाव है, यानी कि आईपीसी की धारा 302, आपको बता दें कि किसी की हत्या होने पर धारा अब 103 लगा करेगी। पहले हत्या होने पर लगती थी आईपीसी की धारा 302। और बिहार में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट है। अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ठंडा से बचने की अपील भी लोगों से की गई है। तो अगले 24 घंटे के लिए ये अलर्ट है, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। कई ऐसे जिले हैं जहां अलर्ट जारी किया गया, किशनगंज और अररिया के लिए ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ साथ सुपौल और पूर्णिया के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। दरभंगा के महाराजा महेश ठाकुर महाविद्यालय परिसर में सगरवती दीप जलाए का भव्य आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम बिहार के कई जिलों के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल के बड़े मैथिली साहित्यकार, कथा लेखक, कवि के साथ मैथिली साहित्य प्रेमी पहुंचे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति शशि नाथ झा, प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर भीमनाथ झा, साहित्यकार नीता झा, साहित्यकार वीणा ठाकुर के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सविता झा के साथ ही कई नामी साहित्यकारों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मैथिली साहित्यकार कथा को सुनना और उसकी विवेचना करना था। आपको बता दें कि मैथिली साहित्य को आगे बढ़ाना इनका मकसद था। सगर राति दीप जरै छै एकटा कथा गोष्ठी छै जकर शुरुआत 1990 में भेल रहै। आर कविता के तऽ बहुत रास गोष्ठी सब होइत रहै छै, कार्यक्रम होइत रहै छै, पर एकटा ई अपन तरह के अनूठा कार्यक्रम छै जाहिमे कि जे वरिष्ठ साहित्यकार छथिन, कथाकार छथिन, ओ अपनासँ छोट के जे उभरि रहल छथिन कथाकार हुनका गाइड करै छथिन, हुनकर समीक्षा करै छथिन, हुनकर कथा के ओते सुनकर। तऽ हमरा लगैए जे मैथिली साहित्य के भीतर एकटा बहुत अलग ढंग के, और हालांकि एकर जे प्रेरणा छै ओ पंजाबी साहित्य से आयल छै, आ सेहो हमरा एकटा सकारात्मक पक्ष लागैए। जेना लागैए जे एक क्षेत्र दोसर क्षेत्र से बात कऽ रहल छै, जे पंजाब में भऽ रहल छै हमसब ओकरा देख रहल छियै, ओकर अनुकरण कऽ रहल छियै, और फिर अपन तरह के एकटा नव ओहिमे जे छै से भंगिमा आनि रहल छियै। तऽ ई हमरा लगैए साहित्य के लेल बहुत पैघ बात छै। कथा गोष्ठी होइ छै, एहिमे सगर देशसँ, नेपालसँ सेहो काठमाण्डू तकसँ कथाकार सब जुटै छथि, भरि राति अपन कथापाठ करै छथि। आप समीक्षक सब बैस कऽ ओहि कथाके समीक्षा करै छथिन जे भाषामे केहन रहल, कथ्य केहन रहल, कथा कोन काजक अइ कि नहि, कथामे की सुधार चाही, तऽ एकरा कथाके कार्यशाला, वर्कशॉप सेहो कहल जाइ छै अक्सर। आ तैँ एतय वरिष्ठसँ वरिष्ठ कथाकार आ जे नव लिखनाइ शुरू कयलनि हँ ओहो अबै लए एतय उत्सुक रहै छथि, कारण जे हुनका एक नहि दू नहि 50 टा दृष्टि भेटै छनि।